दिल्ली का वो यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए फेमस मुखर्जी नगर, जिसने हजारों आईएएस और आईपीएस इस देश को दिए हैं, जहां यूपीएससी एस्पिरेंट्स का जत्था लगा रहता था, जहां की चाय की टपरियों पर लोग करंट अफेयर और बजट की चर्चाएं करते हुए नजर आते थे, लेकिन आज यहां की गलियां सूनी हो चुकी हैं। यहां के यूपीएससी एस्पिरेंट्स धीरे धीरे खिसकना स्टार्ट कर चुके हैं। काम नहीं हो पा, काम बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा है। इसे छोड़ना स्टार्ट कर चुके हैं। यहां की कोचिंग्स मुखर्जी नगर से हटके बाहर जाना शुरू कर चुकी हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुखर्जी नगर आज इतिहास बनके रहा जा रहा है? यानी मुखर्जी नगर एक समय पर जाना जाएगा कि यहाँ पर यूपीएससी एस्पिरेंट यूपीएससी प्रिपरेशन किया करते थे, लेकिन आज वही मुखर्जी नगर खाली हो चुका है। ऐसा क्या रीजन है मुखर्जी नगर में, जहाँ सैकड़ों कोचिंग थी, जहाँ पर सैकड़ों बुक सेलर थे, जहाँ पर सैकड़ों टपरियां थी, जहाँ पर चाय लोग पिया करते थे, लेकिन आज वही सुनसान हो चुका है? ऐसा कौन सा रीजन रहा कि मुखर्जी नगर आज बिल्कुल खाली हो चुका है? यहाँ पर यूपीएससी एस्पिरेंट दिखाई नहीं देते हैं, जहाँ पर भीड़ लगी रहती थी। आइए जानेंगे इस रिपोर्ट में। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। तो दोस्तों, आज के समय अगर मुखर्जी नगर को देखा जाए तो मुखर्जी नगर की गलियां आज सूनी हो चुकी हैं। यहां पर कोई एस्पिरेंट्स ज्यादातर दिखाई नहीं देते हैं, या तो वही एस्पिरेंट्स हैं जिनकी कोचिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं और वो बस अपनी रहकर प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आज के समय में दिल्ली के मुखर्जी नगर में सस्ता चुका है, यानी कि यहां पर रहने के लिए सुविधाएं जो आपकी थी, जो महंगी महंगे आपको फ्लैट्स मिलते थे, महंगे महंगे रूम मिलते थे, आज वो 1,000 रुपये 2,000 रुपये सस्ते हो चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ एस्पिरेंट्स की जो डिमांड थी वो कम हो चुकी है, एस्पिरेंट्स यहाँ से जाना स्टार्ट हो चुके हैं। लैंडलॉर्ड्स अब मनमाने दम पर जो पैसे मांगते थे वो अब नहीं मांग रहे हैं। वो इसलिए नहीं मांग रहे हैं क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट्स यहां से छोड़ के जा चुके हैं। होप आप लोग जानते होंगे इस देश के अंदर स्टूडेंट्स के साथ में जो अन्याय होता है वो बहुत ज्यादा होता रहा है और सदियों से होता आया है। अब चाहे नालंदा यूनिवर्सिटी हो, उसको तहस नहस करने के बाद अगर मुखर्जी नगर की बात करें तो मुखर्जी नगर को भी इसी प्रकार से इन्फ्लेशन में डालकर और इस प्रकार से तबाह किया गया। और यहाँ के तबाह करने वाले कोई और नहीं, यहाँ के लैंडलॉर्ड्स और लाइब्रेरी वाले ही थे। मुखर्जी नगर राजेंद्र नगर के अंदर बेसमेंट में लाइब्रेरी ओपन करने के बाद यहाँ पर इस प्रकार का माहौल बिगाड़ा, और माहौल बिगड़ने के बाद यहाँ पर आज डिक्लाइन होते हुए नजर आ रहा है। यानी ओवर क्राउडिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यानी मुखर्जी नगर में जो ओवर क्राउडिंग है, स्टूडेंट्स की जो डिमांड पैदा हुई और डिमांड होने के बाद यहाँ के लैंडलॉर्ड्स का जो भाव बढ़ा वो कहीं कहीं देखने लायक था। सर पढ़ा है आप? असर तो बहुत पड़ गया है, स्टूडेंट अब जब नहीं है। और मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में रहने वाली एक यूपीएससी एस्पिरेंट, उसने अपनी सुसाइड नोट में लिखा और सुसाइड कर लिया, यानी कि यहाँ पीजी के दाम बढ़ा दिए गए, पीजी का जो चार्ज है वो काफी ज्यादा हो चुका है और मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, और साथ में काफी टाइम से प्रिपरेशन करने के दौरान जब यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होता है खुद ही सुसाइड कर लेती है। तो इस प्रकार के भी बहुत सारे मामले सामने आते रहते थे। वहीं जब राजेंद्र नगर में रावज आईएएस की अंडरग्राउंड लाइब्रेरी के अंदर जब पानी भर गया और पानी भरने के कारण 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की डेथ हुई, और डेथ होने के बाद जो मामला हुआ वो काफी भयानक था। यूपीएससी एस्पिरेंट्स ने प्रोटेस्ट भी किया, प्रोटेस्ट करने के बाद यहां देखने को ये मिला कि उनको कोई न्याय नहीं दिया गया। न्याय के तौर पर बस क्या, उनको पैसे दिए गए, थोड़ी सी फाइनेंशियली मदद कर दी गई उनके घर वालों की, लेकिन इतना ही नहीं, दृष्टि आईएएस भी अपनी क्लास बेसमेंट में चला रहा था और निकलने के लिए ओनली एक दरवाजा था जिससे निकल सकते थे और घुस सकते थे, दूसरा दरवाजा नहीं था, लेकिन इसको देखते हुए एमसीडी ने उसको सील कर दिया। और इसी प्रकार से कई सारी लाइब्रेरियां, कई सारी कोचिंग सील हुई। लेकिन अब आते हैं सीधे मुद्दे पर, यानी मुखर्जी नगर खाली हो रहा है तो क्यों हो रहा है? तो देखो, किराया भी निकल जाता था, किराया भी 45,000 रुपए किराया इस दुकान का। सबसे पहली बात यह है कि मुखर्जी नगर में जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को फैसिलिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए वो रियल बेसिस पे प्रोवाइड नहीं की जा रही है। इसका रीजन क्या है, यानी फैसिलिटी जो कोचिंग से पैसे लेती है, लाखों लाख रुपए कोचिंग फीस चार्ज करती है, और यूपीएससी एस्पिरेंट वहां पर जब जाता है तो ओनली एक डिपेंड रहता है कोचिंग के ऊपर। कोचिंग के ऊपर जब यूपीएससी एस्पिरेंट डिपेंड रहता है तो उसको जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, और इसी का सबसे बड़ा रीजन है कोचिंग संस्थाओं का वहां से विस्थापित होना, यानी कि अपने जगह को चेंज करके अब दूसरी जगह, यानी कि यहां से जो कोचिंग्स हैं यूपीएससी की वो सारी कोचिंग सब नोएडा की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो चुकी हैं। और जब कोचिंग्स ही शिफ्ट हो जाएंगी तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, यहाँ के जो एस्पिरेंट हैं वो यहाँ से जाना स्टार्ट कर चुके हैं, यानी कि वो भी अब नोएडा की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं। क्योंकि जो मुखर्जी नगर में जो क्राउड था वो ओनली एक यूपीएससी एस्पिरेंट का था, यूपीएससी एस्पिरेंट वह रहकर यूपीएससी की तैयारी करते थे। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी करते थे, लेकिन उनके रहने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर जो रहने का चार्ज इतना बहुत ज़्यादा था, खाने पीने के और रहने के खर्चे की बात करें तो काफी ज्यादा था और हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। अब जितना चार्ज लेते हैं उससे कहीं ज्यादा उनको दिक्कतें होती हैं, यानी रहने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, छोटा सा रूम मिलता है उसमें शेयरिंग में भी अगर रहते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं अब यहाँ से क्राउड कम करके और
नोएडा की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो चुका है। रियलिटी में अगर आप मुखर्जी नगर जाओगे तो मुखर्जी नगर आप अगर रहे होगे तो आपको पता चलेगा बत्रा और बत्रा के इधर उधर साइड में अगर जाओगे तो बहुत सारी गंदगी देखने को मिलती है। यहाँ तक कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं उस प्रकार की सिस्टम में रह रहे हैं, यानी कि आज के समय में वहाँ लोग तप कर रहे हैं एक समय से, यानी कि जो फैसिलिटी है वो उनको नहीं मिल रही है, जो सुविधाएं सुख सुविधाएं से वंचित हैं वो लोग, यानी उनको कोई सुविधा नहीं मिलती है वहाँ पर। उनके यहाँ पर इतनी गंदगी और साथ में वहाँ पर इस प्रकार का ओवर क्राउड है। अब जहाँ पर क्राउड ज़्यादा होगा, जहाँ पॉपुलेशन की ज़्यादा मात्रा होगी, तो फिर आप लोग समझ सकते हैं कि वहाँ किस प्रकार की गंदगी होगी, वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, रहने की प्रॉब्लम, महंगाई, और उसके बाद फिर कोचिंग्स की फैसिलिटी प्रोवाइड ना कराना। कोचिंग्स लाखों लाख रुपए चार्ज करके भी उनको लाइब्रेरी फ्री में देती हैं, लेकिन वो बेसमेंट में मिलती थी, लेकिन आज के समय में बेसमेंट में लाइब्रेरी नहीं चला सकता है कोई भी। और जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो कमरे रूम मालिक थे, वो लोग बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे थे, यानी कि वो इतना चार्ज कर रहे थे कि हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। और अफोर्ड करने का बस रीज़न यही है कि वो एक किसान फैमिली से आते हैं, एक मिडिल क्लास का व्यक्ति ही कोचिंग तैयारी करता है, यूपीएससी प्रिपरेशन करता है। मैं हूँ, मैं अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, उसको आगे इम्प्रूव करने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ताकि मेरी अगर कोचिंग करने के बाद अगर यूपीएससी क्वालिफाई हो जाए तो मैं अगर मेहनत करने के बाद, अपनी तैयारी करने के बाद अच्छे से अगर गवर्नमेंट एग्जाम निकाल लेता हूं तो उसके बाद मेरे घर की जो स्थिति है वो थोड़ी सी बदल जाएगी, ऐसा सोचकर हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट आता है। लेकिन यहाँ के लैंडलॉर्ड्स, यहाँ के मकान मालिक काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन उनकी डिमांड उस टाइम पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। आज के टाइम में मुखर्जी नगर में जितने भी बुक्स के शॉप हैं, बुक सेलर हैं, वो सारे आज के समय में बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि हमारी शॉप का जो रेंट है वो लाखों रुपए है, एक एक लाख रुपए है, लेकिन उसको कहाँ से भरें? दो तीन महीने से हम ऐसे ही भरते चले आ रहे हैं, लेकिन कब तक ऐसे भरेंगे? लेकिन अब वही एस्पिरेंट वहाँ रह चुके हैं, जो वहाँ पर कोचिंग कंप्लीट करके ओनली प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही लोग वहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ तो समझ में आती है कि कोई भी चीज़ हो, अगर एक बार पीक पर जा रही हो तो उसका डिक्लाइन होना तो जरूरी है, और जब डिक्लाइन होता है तो वहाँ के रहने वाले लोगों के समझ आती है, थोड़ी समझ विकसित होती है कि हम लोगों ने किस प्रकार से मैनिपुलेशन किया है इस एस्पिरेंट्स के साथ में, हमने धोखाधड़ी और भेदभाव किया है, यानी कि यहाँ पर रूम रेंट इतना महंगा कर दिया था डिमांड के अनुसार कि लोग यहाँ पर रह के अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन नहीं कर सकते थे, यानी कि यहाँ से जो है काफी दूर दूर तक लोग रहते थे और रह करके फिर पढ़ने जाते थे डेली। कोचिंग्स ने अपनी डिमांड पर तबाही मचाई सो मचाई, लेकिन यहाँ के लैंडलॉर्ड्स और यहाँ के मकान मालिकों ने भी अपना खूब दबदबा जमाया, लेकिन आज वही मुखर्जी नगर इतिहास बन के रह चुका है कि हाँ, कभी था मुखर्जी नगर जहाँ यूपीएससी एस्पिरेंट रह के तैयारियां करते थे, लेकिन आज वो कोचिंग्स वाले भी जा चुके हैं, वही मुखर्जी नगर में यूपीएससी एस्पिरेंट भी जा चुके हैं, यहाँ के दुकानदार भी जाने वाले हैं, यानी कि उनका भी कहना है कि अगर यूपीएससी कोचिंग्स जहाँ भी शिफ्ट हो जाएंगी वहाँ जाकर हम अपनी बुक्स की शॉप दोबारा से ओपन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी किराया ज़्यादा है और यहाँ पर सेलिंग बहुत कम हो रही है। आज के समय में अगर आप मुखर्जी नगर जाओगे तो आपको गलियां सूनी मिलेंगी, यहाँ पर लोग बैठे हुए नजर आएंगे, यहाँ पर चप्पलें और जूते सिलने वाला व्यक्ति भी आपको इंतजार करते हुए नजर आएगा कि कोई अगर आए और अपने जूते चप्पल सिलवाए, लेकिन चप्पल तो जब सिलवाए जब कोई यूपीएससी एस्पिरेंट वहाँ बचा हो तब। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार की हालत हो चुकी है मुखर्जी नगर की। वैसे आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।